हेलो एवरीवन, शेराज स्किन केयर यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम चाहे किसी भी एज में हो, हमारी स्किन पे पिंपल्स तो निकल ही आते हैं और पिंपल्स निकलने के बाद जो फेस पे छोटे छोटे दाग रह जाते हैं, जो दिखने में बुरे लगते हैं और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके फेस पे भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं या पिंपल्स निकलने के बाद उसके दाग रह गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके पिंपल्स और पिंपल्स के मार्क्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। जी हाँ, यहाँ बात कर रही हूँ टर्मरिक जेल यानी कि हल्दी जेल। ये जेल आपके फेस पे जितने भी निशान रह गए हैं या पिगमेंटेशन के मार्क्स है, ये उसको बहुत जल्दी ख़त्म करेगी और आपके चेहरे पे एक निखार लाएगी। सो इस रेमेडी को बनाना कैसे है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जल्दी से प्रेस करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे ही आप मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओगे। इस जेल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल लेना है आपको। एलोवेरा जेल इसलिए क्योंकि ये हर स्किन के लिए सूटेबल है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है और रिंकल्स और दाग धब्बे फाइन लाइंस को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। उसमें मैं जो मेन इंग्रेडिएंट जो मैं डाल रही हूँ वो है हल्दी। थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर दीजिए। हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल चेहरे के पिंपल्स को और पिंपल्स पैदा करने वाले निशानों को बहुत तेज़ी से रिमूव करता है। ये टी ट्री ऑयल आपको मार्केट से बहुत ईजली मिल जाएगा। 3-4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की इसमें ऐड करनी है आपको और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी जो है वो स्किन के लिए एक वरदान है। हल्दी का प्रयोग पुराने ज़माने से होता आ रहा है। हल्दी को बेसन में ऐड करके लगा लीजिए या डायरेक्ट अपने फेस पे जहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। हल्दी बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। हल्दी फंगल इन्फेक्शन को बहुत तेज़ी से रिमूव करती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, फेस पे पिंपल्स और पिंपल्स पैदा करने वाले जर्म्स को बहुत तेज़ी से रिमूव करती है। अब रात को सोने से पहले थोड़ी सी जेल लीजिए और अपने पूरे फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद 5 मिनट तक अपने फेस की हल्के हाथों से मसाज करनी है आपको, जब तक ये पूरी जेल आपकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। लगाने के बाद पूरी नाइट के लिए आपको ऐसे छोड़ देना है और सुबह उठते अपने फेस को क्लीन कर लेना है। इसको अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे पिंपल्स तो नहीं होंगे और पिंपल्स के जो दाग रह जाते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग और ईजी रेमेडीज़ लेकर आती रहूँगी। सो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक नई रेमेडी, एक नए इंग्रेडिएंट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।